हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अड्डा 247। सो आज के सेशन में हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन रेलवेज़ के लिए। जैसा कि हमने पहले भी जो है एक वीडियो यानी कल बनाई हुई थी इस पर, ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान से क्वेश्चंस डिस्कस करे गए थे और हमें पता भी है कि DI जो है रेलवेज़ में 3 से लेके 5 नंबर तक आएगा, ठीक है। तो एक सेशन में लूँगा, इसमें मीन मीडियन मोड भी करवाऊँगा, लेकिन आज के सेशन में हम करेंगे टेबल चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, ये हमारा टास्क है। तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोग ठीक ठाक होंगे एक मज़ेदार सा क्वेश्चन फॉर्म में आने के लिए, ठीक है ना। कहते हैं कि पहले फॉर्म में आ जाओ फिर बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि A:B:C 3:4:7। अगर मैं कहता हूँ कि सी के पास 67,000 है तो ए और बी के पास कितना होगा, ज़रा चिल्ला के आंसर बता दो सभी लोग एक बार, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, मैंने पूछा कि सी की वैल्यू 67,000 है तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना ऐसे बात करनी है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, फिर पार्टी शुरू करते हैं। आकाशदीप इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आंसर बताया है, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब आंसर बता दो, जरा रॉक करो थोड़ा सा। यस, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है। मैं बोलता हूँ सी के पास 67,000, फिर बोलता हूँ कि ए प्लस बी के पास, अब सी के पास कितना 7 और ए प्लस बी कितना 7, तो 7 का मतलब 67, तो 7 का मतलब 67, इसमें करना क्या है, ये भी कितना होगा 67, बोलो, समझ नहीं आया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात थी। अच्छा चलो, इसी में और देता हूँ, जरा एक क्वेश्चन इसका भी आंसर बता दो, क्योंकि रेशियो से ही शुरू होगा भाई। अगर मैं कहता हूँ कि 3:4:8 अगर ऐसा है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सी के पास 64,000 है तो सी ए से कितना ज़्यादा है, सी ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है, ठीक, योगी योगराज आप बात समझ गए होंगे, अभी आपका थोड़ा सा गलत हुआ था, ठीक है। हाँ सही है, ठीक ठाक, बढ़िया। अब बता दो जरा आंसर कि भाई सी और ए के बीच का डिफरेंस कितना है। यस, आंसर आना शुरू हुआ, थोड़ा जोश में आंसर करो, एकदम धीरे धीरे लिख रहे हो, पता नहीं मोबाइल पे हैंग वैंग कर दो, इतना टाइप करो, ठीक, एक आंसर को इतनी बार बताओ कि पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारा आंसर, ठीक है दोस्तों। यस राइट, सी माइनस ए दैट इज व्हाट। अब देखो कि सी की वैल्यू दिया है 64,000, तो 8 का मतलब 64,000, तो 1 का मतलब 8,000, सिंपल सी बात है हमारे हमारे पास कि 8 जो है 64,000 के बराबर है, तो एक का मतलब कितना 8,000, तो एक का मतलब 8,000, 8 का मतलब 64,000, एक का मतलब 8,000, और एक का मतलब 8,000 है। पूछा क्या इन्होंने है, पूछा सी ए का डिफरेंस है, तो सी कितना 8, ए कितना 3, तो डिफरेंस कितना 5, एक का मतलब 8,000, तो 5 का मतलब 40,000, दैट इज योर आंसर गाइज, और यस 40,000 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, तो 40,000 ही आंसर आएगा। एक और करते हैं इसी पे, ज़रा देखो और चिल्ला के इसका भी आंसर बताना, फिर क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक कि बी के पास, यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बोलता हूँ कि बी जो है ए से, देखना काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये बी ए से 7 कर देता हूँ, 7,000 ज़्यादा है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, बी हैज 7,000 मोर देन ए, तो ये बताओ कि सी के पास कितना है, सी के पास कितना है। चलिए ठीक है देवेंद्र, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट देवेंद्र, आई वॉन्ट योर आंसर राइट नाउ। चलिए अब आंसर बताया जाए, प्लीज बताया जाए, वो भी जल्दी बताया जाए, ठीक, कि सी के पास कितना है, ठीक। मैं क्या कहता हूँ कि बी ए का जो डिफरेंस है, मतलब बी हैज 7,000 मोर देन ए,
तो आपको ये बताना है कि सी के पास कितना है, ठीक है। यस, आंसर आना शुरू हुआ, जबरदस्त, शानदार, बिल्कुल दोस्तों, यस दिस इज राइट। अब देखो भैया ये क्या है कि यहां कितना ज्यादा है, एक, तो एक का मतलब कितना, 7000, एक का मतलब 7000, तो एट का मतलब 56000, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं था और सबका ही आंसर ये ठीक होगा। तो चलिए अब इसी बात पे आज की पहली डीआई जो कि एक टेबल चार्ट है और उस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत फटाफट आपको आंसर देना है दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, वेरी नाइस। सो डीआई शुरू करते हैं आज का, फर्स्ट क्वेश्चन टेबल चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो देखो टेबल चार्ट में हुआ क्या है कि 2010 और 2014 की बात करी गई है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी गई है, किसी शहर की या किसी देश की बात करी गई होगी, और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल, वॉइस तो अच्छी है दोस्तों, वॉइस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेक्निकल टीम पूरी तरह से देख रही है, ठीक है। तो जो है मेल और फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है, अब हमें आगे क्वेश्चंस करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, अगली स्लाइड लाई जाए प्लीज़, और उसी स्लाइड से अब ये देख लो बढ़िया से, बहुत ही आसान सा एक ग्राफ है, बिल्कुल ग्रुप डी वाला सिस्टम बना रखा है मैंने यहाँ पे। यू नीड टू जस्ट लुक एट द नंबर्स एंड जस्ट नीड टू टेल द आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड इन CWG 2010। चलिए बताइए आंसर। ठीक है, अगर थोड़ा सा नजर नहीं आया तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा दो, थोड़ी बेटर कर लो। चलिए अब बस आपको सोचना है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो। देखो अब फालतू में सोचोगे, ट्रिक व्रिक कुछ मत सोचो, जो मेरा फंडा है, जैसे मैं कराता हूँ कि इसका मतलब इतना तो इसका मतलब कितना, जस्ट यूज दैट एंड गेट द आंसर, ठीक है। पूरे पूरे देवेंद्र सिंह, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वन कंट्री, इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, केन्या, सबके बारे में बात करनी है, सारी की सारी फीमेल देखनी पड़ेंगी आपको बच्चों, ठीक है, सारी की सारी जो है फीमेल देखनी पड़ेंगी सारे देश की 2010 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही CWG 2010 में भाग लेने वाली कुल महिलाओं की संख्या क्या है। चलिए 620, 680 ऐसे आंसर्स आए जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में 620 भी है, ऑप्शन में 680 भी है, तो फटाफट देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल से देखो। सबसे पहले मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, इंग्लैंड में क्या दिया हुआ है, इंग्लैंड में जो फीमेल है वो 350 है और रेशियो कितना है, रेशियो है अपना 4:3, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 7 का मतलब 350, 1 का मतलब 50, 3 का मतलब 150, तो फीमेल यहाँ आ गई 150, कौन से सिटी में, इंग्लैंड में, देश में, नॉट सिटी। अब देखो बात को समझो कि क्या अपने नहीं, कोई पार्ट वन का कोई चक्कर नहीं है, दिस इज जस्ट सिंपल, आपको बच्चों जैसा खेल खेल रहा हो, गोलगप्पे बेचवाए हैं बस, अभी जो पहले देखा था ना इसी वीडियो में, इसी से हो जाएगा, इनको ऐड करो 7 का मतलब 350, 1 का मतलब 50, 3 का मतलब 150, पहली फीमेल आ गई इंग्लैंड की। अब बात करें इंडिया की फीमेल की बात करें तो सिंपल सी बात है, देखते हैं 9 का मतलब 180, 1 का मतलब 20, 4 का मतलब 80, इंग्लैंड की, इंडिया की फीमेल आ गई। कैनेडा की फीमेल की बात करें तो कितना होगा, नंबर सामने आ रहा है 5 का मतलब 250, 1 का मतलब 50, 2 का मतलब 100, सिंपल, एकदम फास्ट करना है, ठीक है, 5 का मतलब 250, 1 का मतलब 50, 2 का मतलब 100। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो 31, देखो जोड़ोगे ना बच्चों, अब मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया वाला समझा देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया अच्छी कंट्री है, आजकल न्यूज़ में भी है, ठीक है, तो 15 और 16 रेशियो दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ ज़रा, मेल और फीमेल, अच्छा इनका सम कितना आया 31, और टोटल कितने लोग थे 310, तो 1 का मतलब 31 का मतलब 310, 1 का मतलब 10, तो 16 का मतलब 160, ऑस्ट्रेलिया फीमेल।
उसके बाद कौन सा शहर है, मलेशिया, मलेशिया इज ऑल्सो अ कंट्री। मलेशिया की बात करें तो 18 का मतलब 17 का मतलब 171 का मतलब 10, 8 का मतलब 80, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद केन्या की बात करें तो 2 का मतलब 100, 1 का मतलब 50, ये भी लिख सकते हैं आप। क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ना कैसे है वो आपसे अच्छा कौन जानता है, ठीक है ना। सबसे आसान है, बोलो। हाँ, अब किसी ने बहुत तगड़ी बात बोली एंड आई लाइक दैट। उन्होंने बोला कि सर इंग्लैंड में तो 360 है, पर बेटा आपको पूछा गया 2010 है तो बात करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। किस 2010 पूछा गया बट आप 2014 देख रहे हो, तो ये वाला गलती आपसे हो गया। अब इनको ऐड करना है, क्या करना है, 150 में 50 जोड़ दो, 200 200 में 300 जोड़ दो, 300 हो गया, 160 460 80 80 वो 160, 460 में 160 जोड़ना है तो 620 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है, दैट इज 620 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है ना। 620 बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग अभी भी 680 बता रहे हैं। तो जिनको लगता है कि 680 है यहाँ कहीं, तो प्लीज़ देखें एक बार, दोबारा ऐड कर लें, या हो सकता है मैंने कुछ कर दिया हो कहीं मिस्टेक वो भी देख लो, बट आंसर इज 100% 620 ही होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सही, बहुत लोगों का 620 ही आया हुआ है भी, ठीक है ना। चलिए, 620 इज़ द आंसर। तो पहला क्वेश्चन बता देना, स्कोर बताओ कि कितने लोगों ने इसको 30 से 40 सेकेंड में सॉल्व कर लिया था। टेल मी द स्कोर ऑल्सो, ठीक है। तो रितु शर्मा का भी, अंजू गुप्ता, इन सब का आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है। सूरज बता रहे हैं कि कैलकुलेटर इज बेटर, कैलकुलेटर से बेटर कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल सही। बस होश में रहना है, ऑल कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन, तभी सही होगा। गलतियां सभी करते हैं, कोई भी आप उठा के देख लो, किसी के भी बारे में बात कर लो, वो गलती करता ही है अगर उसका ध्यान हल्का सा इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए अब ये करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, जस्ट बाय सीइंग एट इट टेल मी द आंसर, ठीक है। चलिए फास्ट करते हैं और आंसर बताते रहिए। वीडियो ठीक ठाक लग रही है तो शेयर वेयर कर दो थोड़ा, और भी मतलब क्वेश्चन लोगों को मिल जाए, फायदा मिल जाए, ठीक है। संबित मिश्रा तो बिल्कुल बढ़िया है, संबित जी बढ़िया कर रहे हैं आप हर लेक्चर में होते हो और अच्छा आंसर भी देते हो। थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। विश यू गुड लक, आप सबको अच्छा मतलब गुड लक विश करता हूँ मैं, मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। अभिजीत पवार इज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर, दैट इज 350। अब शुरू करते हैं कहानी। बोला कि टोटल मेल प्लेयर्स एंड द टोटल फीमेल प्लेयर्स इन CWG 2014, इनका डिफरेंस निकालना है। अब देखो हम क्या करते हैं, वैसे तो एक कहानी ये बन सकती है कि पहले मेल निकाल लो टोटल, फिर टोटल फीमेल निकाल लो, ठीक है, ऐसी पहली कहानी बन सकती है। पर अगर आप देखते हो तो 2014 में सारे रेशियोज़ में मेल ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, देख लो ज़रा। 5 मेल फीमेल इंग्लैंड में 5:4 मेल ज़्यादा, इंडिया में 3:2 कौन ज़्यादा, मेल ज़्यादा, कैनेडा में कौन ज़्यादा, मेल ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में मेल ज़्यादा, मलेशिया में मेल ज़्यादा, केन्या में मेल ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंस ही निकाल देंगे। अब देखो डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो 9 का मतलब 360, तो डिफरेंस 1 का है तो 1 का मतलब कितना, 40, यानी इंग्लैंड में डिफरेंस कितना 40 आया। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ बताना कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझसे पूछना ज़रूर कि मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ और मैं बताने के लिए तैयार हूँ आपको, जो भी कहना है आप कहें, मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं कह रहा हूँ कि अगर, अच्छा अभी ये भी बताऊँगा कि अगर मेल ना ज़्यादा होता, फीमेल ज़्यादा होती तब क्या होता, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूँ कि मेल फीमेल का रेशियो कितना, टोटल 9 का मतलब 360, 1 का मतलब 40, इंग्लैंड की बात आ गई। लेट्स टॉक अबाउट अपना देश, भारत देश, यहाँ की बात करें तो 5 का मतलब 500, तो 1 का मतलब डिफरेंस 1 का है तो 1 का मतलब 100, बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं हम लोग। इंडिया की बात होगी, कैनेडा की बात करते हैं,
यहां भी डिफरेंस कनाडा में कितना है बताओ, कनाडा में कोई डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि कनाडा में क्या आएगा जीरो, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो टोटल कितना है 19 का मतलब 380, 1 का मतलब 20 और डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 का मतलब 100। आप देखिए बात को समझे, ठीक है, ये था ऑस्ट्रेलिया। लेट्स टॉक अबाउट मलेशिया अगेन, तो मलेशिया का टोटल कितना 7 है और डिफरेंस कितना 1 है, तो 7 का मतलब 210, तो 1 का मतलब कितना 30, तो ये अपना ये भी आ गया, ठीक है ना। और बात करते केन्या की, तो 3 का मतलब 140, तो 1 का मतलब 80, दिस इज राइट, ठीक है, यस बिल्कुल सही। कोई क्या करना है हमको, एक की वैल्यू, कभी एक की वैल्यू लेनी है, मतलब क्या करूं हर जगह एक की वैल्यू लेनी है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 5 की वैल्यू लिखी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में 5 वैल्यू लेनी है। काशिफ अली एक बार आप जो आपको मेल आईडी दी गई है वहाँ पे मेल कर दीजिए, तुरंत आपका जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनको ऐड कर दो, अब इनको ऐड करना कोई मुश्किल काम क्या है, 100 200 100 200 30 और 80 कितना हो गया ये, ठीक है ना, बिल्कुल सही। डिफरेंस डिफरेंस हमने खाली देखना है और कुछ भी नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा 100 100 200 और 110 और 40 ऐड कर देंगे, 350 आंसर आ जाएगा बच्चों, बात को समझ जाना, और 350 ही आंसर है, ठीक है गाइस, 350 इज द आंसर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका गलत हो गया था तो गलत हो गया, इट्स ऑल राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये जरा होश में करना, एंड आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड फॉर दिस, ठीक है, चलो। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन CWG 2014 टू दोज इन CWG 2010, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल प्लेयर, ठीक है ना, CWG 2014 टू दोज इन CWG 2010, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब आप खुद ही निकाल लो, आपको मैं टाइम देता हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, डू इट फास्ट एज यू कैन। चले थोड़ा सा फास्ट निकालें प्लीज, हाँ। अविनेश सिंह बहुत जल्द हम अगले सेशन से हम क्या करेंगे, एक तो दो चैप्टर आपका चलेगा, एक तो चलेगा टाइम डिस्टेंस और एक चलेगा नंबर सिस्टम, तो क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम है तो ट्रेन तो आएगा आएगा, तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपका ट्रेन आता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगर जो मान लीजिए हमारी 6 क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं, तो 3 नंबर सिस्टम 2 नंबर सिस्टम की, 3 टाइम डिस्टेंस की, इस तरह से बनाएंगे हम लोग पूरा प्रोग्राम, ठीक है। आंसर बताइए प्लीज़, फास्ट करिए थोड़ा सा, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है, एंड यू गेट द आंसर। जैसे नंबर देखा जाए तो नंबर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है इंग्लैंड का पूरा ऐड कर लो, ठीक है, और मतलब एक 2014 का पहले ऐड कर लो, फिर 2010 का ऐड कर लो, और सिंपल तरीके से क्या कर दो इनको, इनको सिर्फ और सिर्फ आपका रेशियो निकालना है। आंसर सभी लोगों का आ गया है, ठीक है ना, आंसर आना शुरू हो गया है, एंड दे आर सेइंग दैट इज़ 97:68 एंड दैट इज़ द वैल्यू। दोस्तों आपको क्या करना है, हाँ ठीक है रितु शर्मा, मैंने नहीं देखा होगा बट इट्स ओके, इट्स राइट, आपका ठीक है, सी अगर आंसर आ रहा है तो। हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, ठीक है ना, बिल्कुल सही सुहाना, सही बता रही हैं, सभी सही आंसर बता रहे हैं, जितने भी लोगों ने, प्रीतिका का भी आंसर,
भी बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक बढ़िया, सब कुछ जोड़ना है हमको खाली है। अब देखो जोड़ते कैसे हैं, अब इंग्लैंड की बात है पूरा, एक मैं 2014 आपको ऐड करके बताता हूँ ऐड कैसे करना है आपको। पहले 100-100 वाले ऐड कर लो। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो सामने क्या होगा, सामने स्क्रीन होगी, स्क्रीन के सामने आप होगे। अगर आप ये सोचोगे कि ये 2000 पहले मैं लिख लूँ ऐसे और फिर हम ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करें, तो आपका टाइम इसमें वेस्ट होगा। हालांकि मैं मानता हूँ टाइम आपके पास होगा, रेलवे में कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, बट फिर भी कोशिश करें ऐड कैसे करते हैं। मैं जो मानता हूँ कि मैं ऐसे ऐड करता हूँ 300, 500, 800, 1000, 1300, 1500, 1700। मैं क्या करूँगा, 100 को पहले ऐड कर लूँगा। फिर से देखो मैं बताता हूँ, 300, 500, 200, 300, 200, 400, 200 है, तो मैंने ऐड किया तो 300, 500, 800, 1000, 13000, 12000, 17000, मतलब 1700 मेरे पास आ गया, 1700 आ गया, तो पहला काम मैंने कर दिया। अगर मान लो मुझे डाउट हो रहा है, मैं दोबारा उल्टा भी ऐड कर दूंगा, 224, 437, 295, 14, 317, yes that is 1700। नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं 40, 10, 80, 50, 50 को ऐड करूँगा, तो नीचे से ऐड कर देता हूँ 40, 50, 50, 100, 180। देखो 40, 10, 50, 50, 100, 180, 60, 180 में 60 तो 240 ऐड कर दिया, तो दैट इज व्हाट 1940, ठीक है 1940। तो बच्चों करने कहने का मतलब तैयब सहित ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप यू जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट, डेफिनेटली जो है ऐसा आप अपना दिमाग जो है सिर्फ कंटेंट पे लगाइए, ठीक, हमको जो दिखता है ऐसे पढ़ाते पढ़ाते जहाँ जो दिखा हम बोल देते हैं, ठीक है भाई। सो दिस इज 1940 एंड दैट्स राइट आंसर। नेक्स्ट मोहन, क्या आपका खतरनाक सा नाम है भाई, हिंदी लिखा तो है नीचे, देखो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बफरिंग हो रही है तो रिफ्रेश करा जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, टेक्निकल टीम इस पर पूरा वर्कआउट कर रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 1940 है, अब आप मुझे बता दो कि 2010 में टोटल जोड़ने पर कितना आया, चलो बताओ आंसर, ठीक है, ये आप मुझे ऐड करके बताइए, एक मैंने किया एक आप करिए, फिर विल डिवाइड वी गेट द आंसर। यस 1360। अब हमें क्या करना है भैया, इनका रेशो निकाल देना है। रेशो कैसे निकलता है तुम जानते हो, हम जानते हैं रेशो कैसे निकलता है, इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से काटा तो कितना हो गया, अगर 2 से हम काटते हैं तो 97 आएगा, 2 से काटते हैं 68 आएगा, ये आंसर है। बहुत ही हल्का लेवल का क्वेश्चन था, अब सबका आंसर है, वो बफरिंग थे इसलिए आप लोगों ने आंसर नहीं निकाला, बढ़िया था। अब देखो ये ऐड वेट करना सीख लो, है ना, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप प्रैक्टिस कर लें और एक ग्रुप डी में बेस बना लें और अपना जॉब वॉब निकाल लें, बढ़िया है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सीख लो। अब ये ऐड करना, सब ट्रैक करना और फोकस रहना चाहिए, दिमाग में और कुछ आया तो दिमाग खराब हुआ, गलत हुआ, ध्यान रखना, और गलत नहीं करेंगे रेलवे में, कसम खा लो किसी की, गलत नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ आई डू वी डू मिस्टेक्स इन रेलवेज, सो 1/3 कटेगा और बैंड बच जाएगी, सो गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही। अब जरा देखते हैं भाई, ठीक है, इसके लिए भी 30 सेकेंड्स दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, देखिए हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो दोनों ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए लिखा हुआ द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स फ्रॉम केन्या NCWG 2010। अब हमको चाहिए 2010 में, कहाँ चाहिए, केन्या, क्या चाहिए, मेल, मतलब केन्या में 2010 में मेल आ जाता है, देख के बता सकते हैं आदमी कोई, केन्या और मेल दोनों हो, केन्या में मेल हो 2010 में, तो कितना, 2 का मतलब 100, 1 का मतलब 50, सिंपल लिख लो, सोचो भी मत, स्क्रीन टू स्क्रीन बात करते हैं। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स फ्रॉम कैनेडा, अब केन्या और कैनेडा दो बातें हैं ध्यान रखना, फीमेल प्लेयर्स फ्रॉम कैनेडा NCWG 2014, तो CWG 2014 में कैनेडा में, मतलब 2014 में कैनेडा में फीमेल कितनी है, मेल 2014 का कितना प्रतिशत है, हाउ मच परसेंटेज, सो दैट इज व्हाट 50 बाय 125 इनटू 100,
सो यू जस्ट सीट एंड यू डू इट, दैट इज 25 4s 25 5s 5 10s, दैट इज वॉच 40%. ये मैंने समझो बड़ा कर दिया. अच्छा, अगर मैं पूछूं और मैं चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि कैनेडा में, ठीक है, कैनेडा की फीमेल केन्या के मेल का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, ठीक है, कैनेडा की फीमेल केन्या की मेल का कितना प्रतिशत है, चलिए आंसर बताइए इसका, बताइए एक बार, ठीक है. आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए जो है बहुत बढ़िया आंसर दे रहे, तो इसलिए हैंग हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, देखते रहो, निकालते रहो और बात को समझते रहो. दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि केन्या कैनेडा की फीमेल केन्या के मेल का कितना प्रतिशत है, टेल मी द आंसर. यस, आंसर आना शुरू हुआ है दोस्तों. डेफिनेटली यू गाइस आर रॉकिंग. इट मींस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट टेक दिस एंड जिससे होगा कंपेयर वो होगा नीचे. बहुत सिंपल सी बात है, इतना तो लिखने का भी नहीं था, सीधा डबल कर देना था, लेकिन हाँ लिख दिया ताकि समझ आ जाए. तो यस, दैट इज 250% लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. यस, 250%, और ये हमारा आंसर, हमारा रॉकिंग आंसर आ गया है, ठीक है. चलिए बहुत बहुत अच्छे दोस्तों, 250% ही आंसर है. जितने जल्दी जितना सही, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है. तो इसी बात पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये याद रखना कि जिससे होगा कंपेयर वो होगा नीचे. तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड टेल मी द आंसर. अनुपमा जी, अच्छा 80% कह रही हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेना, मे भी हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो, एक बार दोबारा देख लेना कि क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक. वैसे नंबर कितना था हमारे पास, एक बार आप मुझे नंबर दोबारा भेज दें तो मैं आई डेफिनेटली टेल यू द आंसर कि क्या होना चाहिए. 50 और 125 था ना, हाँ तो हाँ आंसर 40% ही आएगा. 50 और 125 है तो 40% ही आएगा, डेफिनेटली 40% आएगा, ठीक, 80% नहीं आएगा. महेंद्र का आंसर आता है 87.5. ये भी अब यहां लिखा हुआ है मोर देन, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना. मोर देन इस पे ध्यान देना पड़ेगा. तो द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन CWG 2010. तो चलो ऑस्ट्रेलिया की मेल प्लेयर निकालो, दोनों बातें इसमें भी पूछूंगा मैं. 2010 में ऑस्ट्रेलिया मेल प्लेयर 2010, तो बात करेंगे हम कितना, 31 का मतलब 310, तो 1 का मतलब 10, 15 का मतलब 150. तो ऑस्ट्रेलिया से मेल आ गया 150, ठीक है ना. और नेक्स्ट जो है, व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स फ्रॉम केन्या इन CWG 2014. कंपेयर इनका करना है, केन्या की फीमेल का. तो केन्या की फीमेल हमको चाहिए, मतलब उनमें रेशियो चाहिए, तो 3 का मतलब 240, 1 का मतलब 80. तो यहाँ कितना आएगा, 80, ठीक है ना. देख लीजिए 2014 में केन्या की बात हो रही है, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 80. अब देखो, जिन्होंने परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्लास ली है, उनको ये देखते ही उनकी आंखों में दिल सा बनने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कितना है, 70, और किससे ज़्यादा है, केन्या से कंपेयर करना है. तो 70/80 × 100, यानी सिंपल सी बात है कि आपको दिखा 7/8, और 7/8 देख के कुछ कुछ होता है, एंड दैट आंसर इज 87.5%. यू जस्ट सी एट द नंबर एंड यू जस्ट डिसाइड कि भैया आंसर क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, 87.5%. अच्छा बच्चों, इसी बात पे एक बात और हो जाए, और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अगर ऐसा पूछा जाता, ये पूछा जाता कि ऑस्ट्रेलिया के मेल केन्या के फीमेल से कितना परसेंट ज़्यादा है, ये पूछा जाता कि केन्या की फीमेल ऑस्ट्रेलिया के मेल से कितने परसेंट
कम है। अगर ये आंसर होता तो कैसे समझ आता कि सिंपल सी बात होती कि केन्या की फीमेल ऑस्ट्रेलिया की मेल से कितना परसेंट कम है, इसका आंसर निकालो, फास्ट फास्ट बताओ। तो चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर निकालते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा हो, जरा ये ग्राफ ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये ध्यान से ये ग्राफ को देखो और समझो कि जनवरी 2016 में डिमांड और प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन दिखाया गया है। एक तो इसमें जो है सैमसंग, एलजी, एचटीसी, नोकिया और एप्पल की बात हुई है, ठीक है ना, ठीक है, एप्पल की बात हुई है। अच्छा ये बताओ कि ये सैमसंग, अब ये देख रहे होगे कि 27,000 लिखा हुआ है, 42,000 लिखा हुआ है, तो जो रेड वाला है वो नीचे लिखा हुआ है 42,000, नहीं तो जो बड़ा सा ग्राफ नज़र आ रहा है ना आपको, जो बड़ा बार ग्राफ नज़र आ रहा है वो समझो बड़ा वाला है, जो छोटा नज़र आ रहा है वो समझो छोटा वाला है। वैसे सारे जो नीचे वाला लिखा हुआ है वो सारा का सारा रेड वाला है, समझ गए। और रेड का मतलब क्या है, प्रोडक्शन, और ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन है वो ब्लू, ब्लू का मतलब क्या है, डिमांड। तो हमें सिर्फ देखना है डिमांड और प्रोडक्शन, और ये सैमसंग, एलजी, एसटीसी, नोकिया, एप्पल की बात हुई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं, बिल्कुल सही आप सबने आंसर निकाला हुआ है और बढ़िया है, अच्छा है, गुड आंसर, ठीक है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, फास्ट करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाया जाए प्लीज़। यस वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन आंसर इट, जस्ट सी इट एंड आंसर इट। ठीक है, देखिए कोशिश हमारी यही है कि जो भी ग्रुप डी का लेवल है, देखिए लेवल पे कोई टक्कर दे नहीं सकता। जब हम कुछ बैंक का कराते हैं, कुछ टफ डीआई कराते हैं तो बहुत टफेस्ट डीआई लेकर आते हैं, जब हम आसान डीआई कराते हैं तो आसान लेवल लेके आते हैं। ग्रुप डी में ऐसा ही आने वाला है, आप लोग उड़ा दोगे मेरे को इतना पता है। ठीक है, तो आप 100% आपका आंसर आएगा, ठीक। चलिए, रेशियो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनकी डिमांड, मतलब डिमांड, कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू द कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, मतलब एक निकाल लो कि डिमांड कितनी की ज़्यादा है प्रोडक्शन से, ठीक है, तो उसके बाद तो हमें पता चल ही जाएगा। अच्छा लाल वाला कितने में ज़्यादा है, जरा ध्यान से देखो, लाल वाला कितने में ज़्यादा है, लाल इज डिमांड, उन्होंने हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो दो रेशियो आ सकता है, एक तो 3:2 बता रहे हैं कुछ लोग, और 2:3 भी आंसर हो सकता है, तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक, पहली लाइन क्या लिखी हुई है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, बातों पे ध्यान दो, ज्यादा डिमांड हो प्रोडक्शन से, तो डिमांड मतलब ब्लू वाला ज्यादा, ब्लू वाला ज्यादा कितने का है, तीन का है, तो डिमांड ज्यादा तीन का, प्रोडक्शन ज्यादा दो का, तो ऑब्वियस रेशियो आएगा 3:2। यस दिस इज द आंसर, 3:2। ध्यान से बात को समझो तभी आपको समझ आएगा कि पहले बोलते डिमांड ज्यादा है, हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, तो डिमांड किसकी किसकी ज्यादा है, पहले नाम लिखो उसका फटाफट कि कौन कौन सी कंपनी की डिमांड ज्यादा है। मेरे हिसाब से जो नाम लाएगा वो आएगा सबसे पहला एलजी, दूसरा एसटीसी और तीसरा एप्पल, इन सब का डिमांड क्या है, ज्यादा है प्रोडक्शन से। यस ठीक है, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो रेशियो आएगा 3:2, राइट, यही आपका आंसर है। हाँ देवेंद्र, दविंदर जो आपका नाम है, जैन जी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को कि डिमांड किसका ज़्यादा, जिसका ग्राफ ज़्यादा उसका डिमांड ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा, ज़्यादा, जैसा कि योगराज ने लिखा भी है, एलजी एसटीसी, श्रद्धा ने भी लिखा हुआ है एलजी एप्पल एसटीसी, तो इन लोग का डिमांड ज़्यादा है बस और कुछ नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए प्लीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए ऑन द स्क्रीन, अब ये करके दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस देखोगे उड़ा कर लोगे आप आंसर। चलिए
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फाइव कंपनीज टुगेदर। अब ये आप ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें ट्रिक क्या लगाई जा सकती है। डिफरेंस पूछा गया है एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन के, पांच की पांचों कंपनियां के, ठीक है ना। मतलब उसका डिमांड अलग निकालना है, उसका डिमांड, मतलब अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या आप इस पर क्या यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ ज़रा सोचें और आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रोडक्शन सबका ज़्यादा है, हर बार प्रोडक्शन को पहले लेंगे, समझ रहे ना बात आप। मतलब पहले सैमसंग में क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन 42,000 है और डिमांड 27,000 है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्शन को पहले लो, ठीक है ना। या एवरेज डिमांड और प्रोडक्शन की बात करिए तो डिमांड को पहले ले लो। तो देखो पहले जब डिमांड को हम हर स्टेप में पहले लेंगे, नंबर वन नोट कर लो, तो डिमांड कितना है 27,000, सैमसंग की बात कर रहा हूँ मैं, और प्रोडक्शन कितना है 42,000। तो 27 और 42 का डिफरेंस कितना है, मतलब पहले नीला वाला लो फिर रेड वाला लो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 27 और 42 का डिफरेंस कितना है 15, तो यहाँ -15 लिखना, ठीक है, -15। पहले ब्लू फिर रेड, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, वहाँ पे पहले ब्लू फिर रेड, तो डिफरेंस +30 आया। इस बात को समझो, हम तुरंत आंसर निकाल देंगे। नहीं नहीं सुहाना, आपने पूरी वैल्यू निकाल ली है, इससे में टाइम टेकिंग है प्रोसेस, पूरी वैल्यू नहीं निकालना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे निकालो। मैं क्या कह रहा हूँ बात को समझो, मैं कह रहा हूँ कि पहले ब्लू बाद में रेड, हर जगह ऐसे करना है, पहले ब्लू लेना है बाद में रेड लेना है। तो 27 में से 42 घटाया तो कितना आया -15। अगली बार पहले ब्लू 45 में से 15 घटाया तो 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पहले ब्लू 33 में से 22 घटाया तो 11। और अगले स्टेप में क्या है, पहले ब्लू बाद में रेड, तो 22 में से 35 तो -13, ठीक है। और अगले स्टेप में फिर पहले ब्लू बाद में, तो 30 में से 20 घटाओगे बच्चों 10 आएगा। हाँ बहुत सही, जितने लोगों ने ऐसा निकाला था बिल्कुल समझो रॉकिंग हो आप लोग, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड किससे करो 5 से, केक कटेगा सब में बटेगा, एवरेज का लेक्चर देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल सही, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं विवेक, विवेक आप क्या ना प्रोडक्शन पहले ले लो, आप पहले रेड वाला पहले ले लो, आंसर यू विल गेट द सेम, बिकॉज वी नीड टू जस्ट फाइंड द डिफरेंस, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब देख लो भैया ये टोटल कितना है, 15 और 13 -28 हो गया, और अगर ये मैं कहूँ तो 40 और 51, तो 15 और 13 कितना हो गया -28, ठीक है, और ये मेरा 51, तो 51 -28 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 28 में क्या जोड़ें हम कि 51 आ जाए, ठीक है, 28 में क्या जोड़ें 23, और 23 को किस में डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 सा 20 और बचेगा 4.6, तो वो जीरो तो लगा ही है, यहाँ पे 3 जीरो लगा दो अपने मन से, 3 जीरो यहाँ पे आप ऐड कर दो क्योंकि हर जगह पे 3 जीरो है ही है, तो 46 और ये अपना 4600, ठीक है ना, 4600 एंड दिस इज द आंसर, यस सही है। ठीक है दोस्तों, बात को समझो, देखो यार ये सब ऐसा नहीं है कि आज आविष्कार हुआ है इसका, बहुत सारे लोगों को ये सब पता है, अब हमें नहीं पता है तो हमें उसको पता करना है, वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और बहुतों को पता होता है पर जब एग्ज़ाम आता है ना तो वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है, वहाँ पे सब ख़त्म हो जाता है, काला काला दिखने लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि गलत हो जाता है, इसलिए यू नीड टू फोकस गाइस, इफ़ यू फोकस यू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, डाउट है तो बता दो, ठीक है ना, डाउट है तो कोई बता दो और ध्यान से बात को समझा करो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज़ दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, एक ठीक है, ठीक है साहू, मैं रिपीट करता हूँ, अब बाकी लोग एट करें, मैं एक बार फिर भी इसे रिपीट कर देता हूँ। देखो, डिफरेंस पूछा था और एवरेज पूछा था। एक तरीका था अलग अलग एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालना, एक तरीका था सबका डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को सब ले लेते हैं सबसे पहले, वो हमने ले लिया सैमसंग, तो सैमसंग हमने ले लिया डिमांड, तो डिमांड का पहले डिमांड फिर प्रोडक्शन, डिफरेंस निकाला तो माइनस आया, अगली बार डिमांड प्रोडक्शन तो प्लस आया, अगली बार डिमांड प्रोडक्शन प्लस आया, अगली बार माइनस आया, और सबको जोड़ दिया और 5 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लेके एक्ट एनुअल आता है, अगर सबका डिफरेंस सेम होता है। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। वाओ, ये तो भाई साहब खत्म है, क्वेश्चन ही खत्म है इसमें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द डिमांड ऑफ एसटीसी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सैमसंग। ठीक है, एसटीसी की डिमांड सैमसंग की प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एसटीसी का जरा डिमांड देखो कितना है, 33,000, तो ऊपर लिखो 33, 30 लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, एसटीसी की डिमांड है 33, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सैमसंग, और सैमसंग का प्रोडक्शन कितना है, 27। अब इन सैमसंग एसटीसी की डिमांड एसटीसी की 33,000 है, ठीक है, और सैमसंग का प्रोडक्शन, ओके, सैमसंग का प्रोडक्शन 42,000 है, दिस इज 42,000, ओके 42,000, तो यहाँ 42 रखना है, तो 11/14 ये आएगा, 11/14, ठीक है, बिल्कुल सही, 11/14। अच्छा, 1/14 कितना होता है, 7.68%, ठीक है ना, 11.4 कितना होता है, अगर हम देखें 1/14, अगर आपको कभी निकालना पड़े तो आप ऐसे बोलेंगे 1/14 होता है 7/7, हालांकि होता है 7/2/14, तो 14 × 97 = 200, 100/14, 7/2/14 यानी 7/1/7। अच्छा, तो ये 1/7 है, ठीक है, 7/1/7, तो 11/14 कितना हो जाएगा, 11 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 77 + 11/7, ठीक है ना, 77 + 11/7, अब 77 + 11/7, अब ये तो 77 हो गया। अच्छा, ये 1% से तो ज़्यादा आएगा, मतलब जो दो आंसर लिखा हुआ ना 79% और 80%, तो 80% का जरूरत अब डाउट हो सकता है हमको, लेकिन जब हम ये देखेंगे तो ये 1 से ज़्यादा है, 2 से तो ज़्यादा नहीं है, तो 77 + 1 point something, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 78 + something, तो हम इसको कह सकते हैं 79%, ठीक है ना, क्योंकि 78% तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं तो यस यू कैन से 7.14, जैसा कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 7.14 भी होता है, उससे भी कह सकते हैं। ठीक है, यस 79, एंड दैट इज द राइट आंसर। तो देख लो जरा एक बार, समझ लो बात को दोस्तों, और उड़ा दिया करो यार, खा जाया करो, ऐसे क्वेश्चन तो निपटा दो, मतलब मेरे को क्या, मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, तो मेरे टाइम लगता है, और तुम तो बस ऐसे, तुम्हें सामने ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे बैठो, फोकस करो, उड़ा दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सर जो नीचे वाली वैल्यू है, एक मिनट रहने देंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है प्रोडक्शन ऑफ सैमसंग, तो सैमसंग की प्रोडक्शन की वैल्यू है, सैमसंग की प्रोडक्शन की वैल्यू है, ठीक है, सैमसंग की जो भी दिखा जिससे होगा कंपेयर वो होगा नीचे, लिख लो इसको, बार बार लिख लो कि जिससे होगा कंपेयर वो होगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
सुहाना परमेश, आई जस्ट राइट इट. मैं कोई ऐसा मेरा कन्वर्ट करने का इरादा नहीं था, मैं आपको बता रहा था कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं मुझे पता है कि इतना होता है. या आप 7.14 से भी कर सकते हैं. जस्ट मैं लुकिंग, मतलब होता नहीं कभी कभी पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो फ्रैक्शन से देख के कर सकते हो आप. ठीक है, अब इससे आसान कोई पूरे भारत देश में कोई क्वेश्चन होगा क्या? इसमें तो कम से कम 200 आंसर आने चाहिए, एक बंदे के 2-3 बार आंसर आने चाहिए. भले से 200 लोग देख नहीं रहे, आंसर 200 आना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं था. कह रहा बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है क्या? बोलते कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिमांड ऑफ नोकिया टू प्रोडक्शन ऑफ LG. नोकिया का डिमांड, अब नोकिया कहाँ है? नोकिया है 4th नंबर पे. इसका डिमांड कितना है? 22. अब आ जाओ अगला, क्या है? LG का प्रोडक्शन, LG का प्रोडक्शन मतलब लाल कलर, कितना है? 15. 20. ओ माई गॉड, इससे आसान कोई क्वेश्चन पूरे इंडिया में नहीं होगा, ना आपने कभी देखा होगा. तो इसको बताते रहो आंसर, जिसका नहीं आया वो भी बताओ इसका आंसर. तो इसमें तो कोई भी बता सकता है. तो सिंपल सा आंसर है, दैट इज़ व्हाट, 22:15. मजाक था ये. अगला क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखो और करके दिखाओ क्या होगा. अब इसके बारे में बात करते हैं. बोलते हैं टोटल डिमांड ऑफ कंपनीज LG, HTC एंड एप्पल टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर. ठीक है ना, ये बात को समझो कि टोटल डिमांड ऑफ कंपनी LG, HTC एंड एप्पल, LG, HTC और एप्पल का टोटल डिमांड. ठीक है, मैं आपको इस पे जो है टाइम देता हूँ, इस पे मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ, एंड आई वॉन्ट द आंसर. पूरा आंसर बताएं फटाफट कि क्या आंसर आएगा. पूरा बताएं किस तरह से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसमें 30 सेकेंड्स आपको टाइम दिया जाता है, आराम से जोड़ लो और आंसर को निकालो कितना आंसर आएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल डिमांड जरा ऐड कर लेते हैं LG, HTC और एप्पल का. तो डिमांड मतलब ब्लू, LG में 45 है, HTC में 33 है, तो 45 + 33 कितना हुआ? 78. और उसके बाद एप्पल है, तो एप्पल का 30 है, तो मतलब 45 + 33 78, 78 में 30 जोड़ोगे 108, यानी 108 आता है. ठीक है, मानते कि नहीं मानते, यहाँ पे 108 आता है. अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज, मतलब सारी की सारी कंपनीज के प्रोडक्शन की बात करनी है हमें. ठीक है, अब देख लीजिए, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ कि कंपनी LG की डिमांड कितनी है, 45. ठीक है, सही है. HTC की डिमांड कितनी है, 33, और एप्पल की डिमांड कितनी है, 30. तो ये पूरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा. तो ये आ गया 108. अब जैसे महेंद्र सिंह ने पूरा बताया कि सर अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो सबका प्रोडक्शन मतलब रेड कलर, रेड कलर मतलब नीचे वाला, तो 42 15, 57 57 20, 50 20 70 79, 79 में 30 20 जोड़ेंगे, 99 99 में 35 जोड़ेंगे, 134 आ जाएगा. सिर्फ नीचे ऐड करना है कि 45 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 57. ठीक है, 57 में 22, 79, 79 में क्या कर लो, पहले 20 जोड़ लो तो अच्छा लगेगा, 99 में 35 जोड़ लो, 134. यानी सिंपल सी बात है, 108 134 अपॉन 100. आपको सिर्फ और ये, सिर्फ ये निकालना है कि 108 134 इंटू 100, 108 का मतलब हो गया अपना 54 अपॉन, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक बार डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा हो जाता है 67.
अब देखो आगे कोई डिवाइड डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सोचो खाली खाली इसका 10% कितना होता है, 6.7। ठीक, अब ऑप्शन है 80, 70, 82, 78। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस पे जाता है, तो 6, 8 जा पे जाएगा, मतलब 80% तो बनेगा। अब दो आंसर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है अपना, या तो आंसर हो सकता है ए, या तो आंसर हो सकता है सी। तो अगर हम इसको पूरा या तो पूरा परफेक्टली करना है तो नॉर्मल डिवाइड कर लो, नहीं तो ब्रेक कर लो कि इसका 80% कितना होगा। 8, 7 जो 56, 8, 6 जो 48, 48, 5, 53, 53.6, यानी 80% से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.4 ज़्यादा, और 0.4 क्या है, 1% से भी कम है, यानी आंसर मेरा ऑप्शन ए होगा डंके की चोट पे कि 80.59, और ये मेरा आंसर होएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक पहले एक बात को समझो, क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाए प्लीज़, एक बार रिपीट किया जाए। देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन आपको दिखता है, चीज़ें आपको समझ आती हैं, तो फिर मतलब हाँ एक स्पीड बन गई। देखो ये कॉन्सेप्ट तो आपको सबको आता है, बस उस बात को समझने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल, 80 से पूरा ज़्यादा नहीं है, 80.59% इज़ द आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है 80 से वो। ठीक है, जैसे सोचने की 80 से ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये बात समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना ज्यादा है ये देखना पड़ेगा। 80 से कितना ज्यादा है, मतलब अगर ज्यादा परसेंट ज्यादा होता तब हम बात करते ना कि 82 होगा, इतना ज्यादा थोड़ी ना कि 82 हो जाए। एक बार दोबारा भी अगर आप बात को समझेंगे, दोबारा लिखेंगे कि 108/134 तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही बात होगी। चलिए, अब ये था, हमने 10th क्वेश्चन सॉल्व किया। इससे पहले मैं अब एक से अपना फेमस क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हटा दिया जाए प्लीज़, ये हटा दिया जाए, एक फेमस क्वेश्चन अपना सेट पैटर्न पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार डिवाइड वाला बता देता हूँ, जरा आप मुझे रिपीट करें कि प्लीज़ रिपीट करें कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब नंबर क्या था एक बार रिपीट करें कि उसमें नंबर क्या लिखा था मैंने, एक बार मुझे पता चले तो मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ। ठीक, कि वैल्यूज़ क्या आई थी लास्ट में, 108/134। चलो ये था असली नंबर। अब कुछ लोग कह रहे कि हो सकता है सर 82% हो, तो चलो मान लेते हैं हो सकता है 82%। अच्छा, इसका 10% कितना हुआ, आपने काटा नहीं, चलो ठीक है नहीं काटा कोई बात नहीं, 13.4। तो 80% कितना हो जाएगा, चलिए कट निकाल के देख लेते हैं, 8 4 जो 32, और 3 8 जो 24 3 27 2 8 1 जो 8 2, 107.2। तो एक बात बताओ कि ये 80% तो इतना हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे, 0.8 बचा है कि नहीं बचा है, और ये 1% से कम है कि नहीं है, बताओ, आप बताओ, मेरी छोड़ो आप बताओ, 8% से कम है कि नहीं है, 1% से, 1% इसका कितना है, 10% इतना है, तो 1% 1.34 होगा, तो 1% से कम है, 1% से कम है, तो 1% से कम है, तो आंसर 82 कैसे हो सकता है, समझाओ मेरे को आप। ठीक है, 82 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अगर 81 भी होना होगा तो 1% चाहिए, 1% तो है नहीं, तो हमारा आंसर कितना है, 80.59%। सिंपल सी बात है, क्योंकि 5% से बराबर है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही कि 80% ही है। चलिए बात को समझेंगे तो सिंपल सी आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जो 30, 8 3 जो 24 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आप बात को समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जैसे लोग बोल रहे हैं सही बात है, ठीक है बिल्कुल सही, कि वो परसेंट को ब्रेक ब्रेक कर करके देखेंगे हम लोग। यस, चलो अब बात को समझो, अब आते हैं जरा, अब आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लेना, अब इस पे भी समझ नहीं आया तो अब जो है कैलकुलेटर निकाल के फिर मेरी बात समझना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, फिर मैं उस पे आपको एक दो होमवर्क देने वाला हूँ, तो उसके स्क्रीनशॉट फटाफट क्लिक करते रहना। क्वेश्चन क्या है, सेट पैटर्न का मेरा जो कहते हैं कि स्टाइल स्टेटमेंट आप कह सकते हो, मैं हर लोगों को ये क्वेश्चन देता हूँ। अब जिन्होंने मेरी वीडियो पहले देखी होगी उनका आंसर आ गया होगा, बट जिन्होंने नहीं देखी ज़रा वो दिमाग लगाओ। मैं कहता हूँ लॉस दे रखा है 80%, सीपी भगवान जानते हैं,
SP is given and that is 1000. Now you need to tell CP. चलिए ठीक है, बताइए कि SP 1000 है, लॉस 80% है, CP निकालना है. ठीक है, आंसर बताएं प्लीज. ये 5000, वाओ, लॉस 80% सीपी निकालना है, क्या आंसर आएगा? ये आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? एक साथ 5000 कहां से आ गया? एसपी 1000 है, लॉस 80% है, सीपी बताना है. ठीक, 5000 आंसर. बहुत बहुत भयंकर तरीके से आंसर बताया जा रहा है, बहुत अच्छी बात. ठीक है, सबको पता है. चलो ठीक है, इसको ओके. कुछ लोग 1250, वो पुरानी वीडियो की कहानी बता रहे हैं. ये लॉस 80% है, सीपी तो 100% होता है. लॉस 80% तो ये 20%, 20 का मतलब 1000, 20 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना? 5000. बिल्कुल सही, 5000. ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे 80% लिख दिया था लॉस, लेकिन बहुत बढ़िया. कुछ लोगों ने 1250 बोला, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आंसर 5000 होना चाहिए था दोस्तों. बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है. सो ये भयंकर सा क्वेश्चन था, और आप लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ ने सही किया, बट हाँ डेफिनेटली एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि 100% होता है तो ये 1000 हो जाता है. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ यार, इसी को अगर मैं जो अभी क्वेश्चन दूंगा, जिसका मैं आपको बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर मैं इसी को ना एक्सपेंडिचर बोला करूंगा, जो हालांकि हाई लेवल डी आई है, लगता नहीं है कि आएगी, बट अगर आती है तो हम तैयार रहेंगे उसके लिए. इसी को एक्सपेंडिचर बोलूंगा और इसी को इनकम बोलूंगा, और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो देखा जाएगा. तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक, ये होगा. ठीक, तो ये प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट दिखा जाएगा. तो बात को समझोगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है. बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें, बस खाली खाली इतना समझना है. अब आपने किसी ने, बहुत सारे लोगों ने जो है चीज़ें करी, बट आप देखेंगे कि भाई 80% तक किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू है, तो बिल्कुल सही. एक बात आप लोगों ने लिखा हुआ है कि सीपी है तो सब है, एंड दिस इज़ रियली, ये आपने मतलब पूर्णिमा जी ने ये वर्ड लिखा है, एंड दिस इज़ रियली अ गुड सेंटेंस. सीपी है तो सब है, और सीपी नहीं है तो ढूंढ लेंगे. ठीक है, ये नहीं कि सीपी नहीं है तो कुछ भी नहीं, सीपी है. सीपी कितना है? 100% है. हर पिक्चर में ऐसा होता है, जब तक कहाँ ना जाए दोस्तों. तो ठीक है, तो आप ये समझ गए, सेविंग की बात नहीं होती, एक्सपेंडिचर इनकम और प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, ये बात होता है एक्सपेंडिचर इनकम, खर्चा. कंपनी जब बड़ी होती है तो हम ऐसे करते हैं. तो एक बार क्वेश्चन का सीरीज जो है दिखा दिया जाए, एक बार इनको क्वेश्चन दिखा दिया जाए प्लीज़. मैं सिर्फ आपको दो क्वेश्चंस दूंगा इसके, अगली स्लाइड दिखा दिया जाए, या आप जो है अगली स्लाइड दिखाई जाए. ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, और सिर्फ दो क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा इस पर, ये क्वेश्चन आपका बनता है. ठीक, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ये करना आपको है, दिस इज़ योर टास्क. एक स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए प्लीज़, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं लेना दोबारा ढूंढ लेना. और नेक्स्ट दिखाया जाए प्लीज़, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो. और यहीं पे कहानी हम ख़त्म करते हैं. ठीक है, और जैसा आप जानते हैं कि मेगा सुप्रीम लॉन्च हो चुका है, बेस्ट कोर्स है. आपको अभी स्लाइड दिख जाएगी, मेगा सुप्रीम जो कि लॉन्च हो चुका है, शायद आज रात तक का समय है आपके पास. 30 मार्च 2018, मतलब आज रात मिडनाइट तक ये कोर्स आप बाई करें. और आपको इस पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोर्सेज हैं, जैसा कि सर ने बताया था आपको, सुमित सर ने बताया था, आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो थी वो, आप उसको देखें तो पता चलेगा कि हाँ अपडेशन होता है कोर्सेज का. तो जब अपडेट चीज़ें आपको मिलेंगी तो डेफिनेटली आपके फ़ायदे में रहेंगी दोस्तों. बात को समझना और बार बार प्रैक्टिस करना. फिर नेक्स्ट वीक में हम एकदम नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे. नोट कर लो कि रेलवे की क्लासेज चलेगी, टाइम डिस्टेंस चलेगी, क्योंकि रेलवे में क्या आता है, ट्रेन, तो
ट्रेन में बैठेंगे रेलवे में, और जरूर भगवान चाहेगा मेहनत करेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य हासिल होगा दोस्तों। सो मिलते हैं अगले क्लास में। सो टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू।